जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होने वाली है, पता नहीं अभी क्या करेगी, लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बारिश होने वाली है और अभी कुछ बूंदे गिरने लगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और मेरे आई खेत में गई थी तो उधर से, और अभी बारिश की छींटे शुरू हो गए, अभी पता नहीं यहाँ तक वो कैसे आएगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा हल्की सी शुरू होने लगी थी बारिश, लेकिन कुछ ही सेकंड में इतनी बढ़ गई कि देखो कैसे। जब बारिश शुरू होती है तो हम सिटी के लोग मजे लेते हैं विंडो से, बहुत अच्छा बारिश, लेकिन गांव में देखो ये सब होता है, कोई बहुत सारी चीजें फैली हुई होती है। वो अनियन का बीज था जहाँ पे अभी उठा कर लेकर गए, अभी ये खेतों में काम कर रहे थे तो घर की ओर भाग रहे, और यहाँ पे हमने अचार से जार रखी थी क्योंकि इसे हवा लगने से अच्छी रहती है। और देखो मेरी आई पूरी तरह से भीग गई है, उनको चलना भी नहीं आ रहा है, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हवा भी चल रही है, और देखो मैं विंडो से दिखा रही हूँ आपको बहुत तेज जोर से। और जब भी यहाँ पे बारिश आती है, जो हमारे पहाड़ है देखो कैसे पूरे वाइट वाइट नज़र आते हैं, और हम लोगों को समझ में आता है कि किस साइड से बारिश होने वाली है, क्योंकि जिस साइड के हिल्स पूरी तरह से सफ़ेद वाइट होने लगे ना, तो समझ जाते हैं कि उसी ओर से बारिश आएगी, और कुछ आने के बाद वो ख़त्म हो गई। तो आंगन फिर भी हम घर में नहीं रुकते, हम आ गए आंगन में, अभी इसको यही बैठकर अभी दाल खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे आंगन में बैठ के, टमाटर सब्जियां काट रहे थे उसमें डालने के लिए। और बारिश से देखो ये पौधे कितने खिले खिले लग रहे, पूरे उनको धो दिया बारिश ने तो। और फिर मेरी भांजी बोल रही उधर से बारिश शुरू होने वाली है, देखो वहाँ से बारिश फूट रही है, निकल ही आ रही है, तो जल्दी जल्दी करो। तो हम लोगों के यहाँ पे बच्चों को भी समझ में आता है कि बारिश आ रही है और किधर से आ रही है, होने वाली है भी या नहीं अभी पता नहीं। मेरी सब्जियाँ काटने से पहले ही शुरू और बूंदे गिरने लगे, तो फिर भी मैंने सोचा इतना काम मैं निपटा के फिर ही अंदर जाऊँ, लेकिन बहुत तेज होने लगे तो हम भागने लगे फिर, और कुछ ही सेकंड में देखो ऐसी बारिश हो गई, आप देख सकते हो बहुत तेज से हुई, और इसी तरह से शुरू है बस, कुछ आते ही कुछ दिनों के लिए फिर गायब होती, और अभी फिर रुक गई। तो उसी ब्रेक टाइम में हम मिल्किंग कराते हैं, और देखो यहाँ पे बारिश से कितना पानी हो गया है, और अभी जल्दी जल्दी मिल्किंग वो निपटा लेते, पता नहीं कब फिर से बारिश शुरू हो जाए। और जब बारिश शुरू होती है तो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, और देखो मिट्टी कितनी लग रही मेरे पैरों में, बहुत ज़्यादा, पूरी चप्पल को वो व्हील लग रही, व्हील की चप्पल बन रही, जैसे कि व्हील के सैंडल तो मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये कीचड़ मुझे व्हील के सैंडल ज़रूर पहना देता है। और बहुत बारिश होने के, बहुत नहीं पर पहली बारिश है तो अच्छी हुई है, क्योंकि पहले बारिश में तो पानी पूरा ज़मीन में अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ है। और आज हमने खेत में बारिश की वजह से बांधे नहीं थे, तो देखो कितना गोबर फैला है यहाँ पे, बहुत अभी उसको पानी पिलाएंगे और वहाँ साफ करेंगे, और उसके बाद मिल्किंग करेंगे। लेकिन मैं पतीला पहले ही लेकर आई, क्योंकि घर में फिर पाव भर खराब हो जाएंगे, तो अंदर जाना बाहर जाना, इसलिए मैं और ये मिलके अभी पानी पिला रहे हैं जानवरों को। और ये हमारे ये बहुत नकचड़ी है, उसको पानी जब भी बारिश के मौसम आता है वो पीती ही नहीं है, और पानी पीने के बाद देखो उसे वापस नहीं जाना यहाँ पे, उसे खेत में ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी उसे नहीं समझ में आता बारिश के दिनों में यही रहना है, क्योंकि उसको आदत हो गई है, क्योंकि बहुत समर टाइम से हम उनको खेत में ही बांध रहे हैं ना। अभी हम हमारे गौरी को भी पानी पिलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी पीती है, और इसीलिए हमारा दूध में पानी आता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगता है उसे पानी पीना। और इसे पानी पिला रहे, कृष्णा आदिति खेल रहे थे, बीच बीच में आ रहे थे, जब हम जानवरों को इधर से उधर कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि एक जगह पे
साइड में जाके खेलो, मट्टी में मत खेलो, पाँव खराब हो जाएंगे, हाथ खराब होंगे, तो सुनते ही नहीं। और देखो कितनी शांत तरीके से पानी पी रही है। अभी ये हौद भी साफ करने को आ गया है, एक दिन जरूर करेंगे। और ये मेरी बहन जी बहुत नखट है। देखा आपने कैसे बात कर रही है कि देखो आपकी राधा जी हम पे गुस्सा कर रही है, दिखा रहे थे। और कृष्णा शूटिंग कर रहा था और अभी देखो कैसे खेल रहे। अरे करेंगे तो डांटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे बच्चों को। और लेकिन थोड़ा थोड़ा डांट देती हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अभी भी जब भी ऐसी बारिश होती है लेकिन मैं देखती हूँ कि सामने कोई है तो नहीं ना, पापा हो कुछ, फिर हम बहुत मजे करते हैं बारिश के दिनों में। और अभी यहाँ पे दूध पीने के लिए राजा को छोड़ दिया है और यहाँ ये नाच रही थी कि पानी में वहाँ पे बारिश का पानी गिरा था तो उसे मज़ा आ रहा था और राजा को दूध पीने में। और कितना भी दूध पी ले इसका मन नहीं भरता। अभी इसको बांध देती हूँ, बाद में फिर छोड़ती हूँ पीने के लिए थोड़ा दूध निकालने के बाद, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता यहाँ से जाने तक। देखो कितना हट करता है कि मुझे अभी दूध पीना ही है और अभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चों को भी तो दूध चाहिए। और इतना ज़्यादा दूध पिलाएंगे इसे तो इसके सेहत के लिए भी वो सही नहीं होगा, इसीलिए इसको दिल पे पत्थर रखे हमें बांधना ही होता है। क्योंकि जो ज़रूरी होता है जिसके लिए उतना उसे उतना ही देना चाहिए, नहीं तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी उसको धो अच्छे से धोकर फिर हम जल्दी जल्दी दूध निकाल लेते हैं। तो आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनना। बारिश तो थोड़ी देर रुक रही थी लेकिन बहुत तेज हवा शुरू थी और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी पता नहीं है फिर से आएगी या नहीं, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी फटाफट से मीटिंग भी मेरी ख़त्म होने को आई, बहुत जल्दी सब काम निपटाने होते हैं क्योंकि अभी आज बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बादल आते हैं तो सूरज जल्दी भी जाता है और बादलों की वजह से जो चांद की रोशनी होती वो भी नहीं मिलती तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ब्लेम डालते हैं लेकिन आदिति देखो बाज नहीं आ रही थी उसको मैं देखी, फिर भी वो काम किए जा रही थी जैसे कि उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा। मुझसे डरते भी नहीं है बच्चे, नहीं तो मेरे पापा भाभी कोई भी दिख गए ना मेरे आई तो तुरंत भाग जाते। मेरे पापा और मेरे को नहीं डरते हो, बाकी सबसे कृष्णा के पापा से भी डरते हैं, सबसे डरते, बस मुझसे और मेरे पापा से नहीं डरते। और अभी बहुत मजे कर रहे हैं क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है और एक के बाद एक यहाँ पे देखो कितनी मिट्टी खेल रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये पहली बारिश है। और आज कृष्णा
और बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो पहली बारिश है, अभी तो बहुत सारी बारिश आने वाली है। और इतने मुझे जब मैं हम बचपन में थे तो हम भी बहुत मजे करते। और ये खेत की मिट्टी है इसीलिए साइड में कृष्ण, यदि ये गांव में या बहुत गंदी जगह पे होती तो इस पानी में खेलने बिल्कुल भी नहीं देती मैं, और वो भी मेरी बात मान लेते। पर ये खेत की मिट्टी है, ये तो बहुत अच्छी होती है, इसमें कुछ भी गंदा गंदी चीजें कुछ नहीं है, बस ये मिट्टी से ही बस दिख रहा है। हाँ, देखो बच्चे कितने खुश है, तो मेरा भी मन कर रहा था कि इसमें जाके इनमें शाम ज्वाइन कर लूँ इनको, फिर हम यहाँ पे मैं उसको उनको अच्छी सी बातें बोल के लेकर आ गई। और अभी इन माओ को सोनू मोनू को दूध पिलाएंगे। और अभी ये देखो, ये तो इनके टेडी बेयर है, बस इनको उठा के खेलते रहते, जितना बच्चे टेडी बेयर के साथ उठा के खेलते उसी तरह से। और सब होने के बाद छत पे आ गई थी मैं, क्योंकि इस टाइम मुझे छत पे अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, बस वहाँ पे थोड़ी देर के मेले अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो मुझे जब भी मन करता है मैं ऊपर आती हूँ छत पे, तो ये यहाँ से देखो क्यों आती हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और पहाड़ों खेतों में बहुत अच्छा सा, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी, बहुत बढ़िया सा नज़ारा सामने होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और चारों ओर से इसी तरह का है, तो कभी कभी खुद को भी ऐसे 5-10 मिनट देने चाहिए, ताकि हम समझ जाए कि हम दिन भर में क्या करते हैं, कुछ गलत तो नहीं होता हमसे, क्या सही है क्या गलत है, हम लोगों को याद होता है। तो ऐसे बहुत अच्छे से माहौल में हम आ जाते हैं, और कुछ ही पल में फिर से बारिश स्टार्ट होने का संभावना लग रही है यहाँ पर। और फिर बारिश शुरू होने ही वाली थी, बूंदे गिरने लगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब ये बारिश में भीगना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और हम फिर ऐसे ही नए अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।